कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से करके उस पर बैन लगाने की बात कही है। अब कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से करते हुए कहा कि वो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी जो दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। अब इस घोषणा पत्र को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखा और कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। मैंने आपके सोशल मीडिया पर कई वीडियो और चित्र देखे हैं जिसमें आप बजरंग बली की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि आप बजरंग बली के बड़े भक्त हैं। ऐसे में आप कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र से आहत क्यों नहीं हुए? क्या आपकी भक्ति इस बात को स्वीकार करती है कि बजरंग बली के भक्तों की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की जाए? आपकी पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस की तुलना आतंकवादी इस्लामिक संगठन से की थी, आपने उस पर भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप स्पष्ट करें, आप इन सभी के पक्ष में है या विपक्ष में है? ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।